यहाँ पर पिछले एक सप्ताह से चले आ रहे श्री राम जन्मोत्सव का कार्य आज संपन्न की ओर है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भगवान श्री राम के लिए कैसे लोग जो भक्त हैं वो अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये भक्त हैं और ये परिक्रमा कर रहे हैं कि भगवान श्री राम के लिए। आपको बता दें कि अभी से करीब एक घंटा करीब बाद यानी 12 बजे भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः गांधी मैदान पहुंचेगी। और इसके बाद से जो भक्तगण हैं अभी जो पूजा हो रहा है इसके जस्ट बाद से निकलेगा वो शोभा यात्रा। आप हमारे पीछे साथ देख सकते हैं कि कुछ माताएं बहने भी हैं जो यहाँ पे बैठी हुई है और रामचरितमानस का जो पाठ कर रही है साथ साथ में। और ये लोग आप देख सकते हैं कि जो उम्र का लिहाज नहीं है, क्या बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे भगवान श्री राम का पाठ कर रही हैं या यूं कहें कि रामचरितमानस का पाठ कर रही हैं। फिलहाल आप सीधी तस्वीरें हम आपको एटीएन लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो कैसे परिक्रमा कर रहे हैं और सिर्फ हम आपको एटीएन लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। भक्त और भक्तों में कोई भक्ति की कमी नहीं है। और इसके ठीक बाद विभिन्न मार्गों से होते हुए भगवान श्री राम की शोभा यात्रा इसी गांधी मैदान से निकलेगी रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं एटीएन लाइव के माध्यम से। हालांकि हमारे साथ समिति के कुछ लोग हैं, इनसे बातें करते हैं। सर आगे की क्या कार्रवाई है, आगे अब क्या होगा? 12 बजे तक शोभा यात्रा निकलेगा पूरा टाउन सिवान टाउन में, उसके बाद फिर शोभा यात्रा गांधी मैदान फिर वापस होगा। और भी सर जो तैयारियां है पूरी कर ली गई है, जो जिला प्रशासन के तरफ से पुलिस बस ये सब तैनात कर दी? जिला प्रशासन के तरफ से बहुत तरह की मदद हो रही है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और आगे भी मेंटेन रहेगा। और जिला प्रशासन हम लोगों को बहुत मदद कर रहा है राम जन्मोत्सव। और यह 42 वर्ष हो गया राम जन्मोत्सव गांधी मैदान सीवान में मनाते हुए। हम हिंदुओं का सबसे महान पर्व होता है, नया साल भी शुरू होता है और हम लोग भगवान राम का अनुयायी हैं, भगवान राम के हम लोग भक्त हैं, इसलिए हम लोग जी जान से समय इस पर्व को मनाते हैं। हमारे साथ समिति के और भी लोग हैं, इनसे हम बातें करते हैं कि सर क्या कहेंगे सिवान की जनता से, क्या अपील करेंगे? हम यहाँ गांधी मैदान में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हम प्रशासन के तरफ से हमारी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है अशोक प्रसाद, और यहाँ राम जन्मोत्सव शांतिपूर्ण मनाया जा रहा है, उत्साह दिख रहा है लोगों में, शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। नाम बताइए। अशोक प्रसाद।